इंदौर में लगातार बढ़ते कोरोना के मरीजों की संख्या को देखते हुए पिछले दिनों आपदा प्रबंधन समिति ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे, जिसमें शहर के दुकानों को राइट और लेफ्ट के सिद्धांत पर खोलने की बात कही थी। लेकिन इस आदेश का कई व्यापारियों द्वारा विरोध किया जा रहा था और इस नियम को खत्म करने की मांग की जा रही थी, जिसे सोमवार को आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने खारिज कर दिया। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में शहर के कई व्यापारी भी पहुंचे थे और राइट लेफ्ट के सिद्धांत को व्यापारियों के हित में न बताते हुए इसे खत्म करने की मांग की थी। लेकिन कलेक्टर मनीष सिंह ने इसे खारिज करते हुए कहा कि आपदा प्रबंधन समिति का यह निर्णय शहर हित में है और कोरोना से लड़ने में कारगर साबित होगा। निर्णय यहाँ पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप करता है। आज व्यापारियों से चर्चा हुई, उनकी पूरी पक्ष सुना उनका। उनको ये भी बतलाया कि जो निर्णय होते हैं किसी दुकान को खोलने के, किसी क्षेत्र को खोलने के, उसमें कौन कौन से क्राइटेरिया महत्वपूर्ण रहते हैं वो भी उनको बताया गया। बिस्तरों की अवेलेबिलिटी क्या है वो भी बताई गई और जो भी उनके अच्छे सुझाव थे उनको सुझावों को लिया गया उनको। सर क्या इनको पूरे 6 दिन का व्यापार करने की मांग कर रहे हैं? नहीं, वो मैंने समझाया कि सैटरडे संडे की मांग थी। मैंने बोला कि 5 दिन पूरा खोल देने से और सैटरडे संडे बंद रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। 5 दिन में अगर पूरे शहर के लोग मध्य क्षेत्र में जाएंगे, पूरे शहर के व्यापारी मध्य क्षेत्र में जाके दुकान खोलेंगे और फिर वहाँ पर संक्रमण अगर होगा अपने घरों में बैठ जाएंगे, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होना है। उसमें मेन ही रहता है संक्रमण रोकने के लिए। जिस प्रकार का संक्रमण इस प्रकार अभी है, व्यक्ति टू व्यक्ति जा रहा है, अभी जहाँ ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ संक्रमण फैलने की पूरी संभावना रहेगी, तो समझाया उन लोगों को। वहीं व्यापारियों ने कहा कि कोरोना काल में व्यापारियों पर मार पड़ रही है, ऐसे में राइट लेफ्ट के सिद्धांत से व्यापारियों को और नुकसान होगा। आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। आज की बैठक अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदस्यों के साथ माननीय जिलाध्यक्ष महोदय से चर्चा हुई। अभी मध्य क्षेत्र में जो मार्केट लेफ्ट राइट की पद्धति से खुल रहे हैं, इसमें व्यापारियों को बहुत दिक्कत है, काफ़ी नुकसान है, अपने खर्चे निकालना भी मुश्किल हो रहे हैं। महीने में केवल 13 दिन काम करने के लिए मिलते हैं, इसमें वो अपनी लायबिलिटी भी नहीं चुका पा रहे हैं। दूसरी बात तो अलग है, तो कलेक्टर साहब को बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। सबसे अच्छा सुझाव जो उभर कर आया वो ये है कि आप 2 दिन शनिवार और इतवार को पूर्णतः लॉकडाउन कर दीजिए, किंतु 5 दिन सभी साइड की दुकानें खोलने का निर्णय लीजिए, क्योंकि ईद और राखी हिंदुस्तान के दो बहुत बड़े त्यौहार हैं और इन त्यौहारों के ऊपर व्यापारी काफ़ी चीज़ें ऐसी इकट्ठी करके रखता है। यदि ये त्यौहार निकल गए और व्यापारियों का माल नहीं बिका तो उन्हें भारी नुकसान इन्वेंट्री का तो होगा ही होगा, कंज्यूमर भी परेशान होंगे और व्यापारियों को अपना अपने परिवार का, अपने आश्रितों का, श्रमिकों का, गुमाश्ताओं का, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी, आयकर, GST, बिजली बिल दिए और बैठक में चर्चा हुई, उसका क्या कुछ निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकला कि उनका भी, मैं इस बात से सहमत हूँ कि आपका ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है और इसमें आपको कुछ राहत मिलनी चाहिए, किंतु प्रशासन की अपनी मर्यादा है। बड़ी मुश्किल से इंदौर में कोरोना को कंट्रोल में किया गया है, हमें व्यापक जनहित देखना है। हम प्रयास करेंगे कि शहर की जनता को तकलीफ नहीं हो और आपका व्यापार भी ठीक चले। इससे जो आपके सुझाव आए हैं उसके बारे में माननीय जिलाध्यक्ष महोदय ने कहा कि मैं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के प्लेटफॉर्म पर रखूँगा, मैं अकेला लेने वाला कोई लेने वाला नहीं हूँ और उसमें मैं प्रयास करूँगा कि आपकी बात को अच्छे से समझा सकूँ और कोशिश करूँगा कि आप इस बारे में कुछ ना कुछ किया जा सके। लेकिन आज की ये मीटिंग निर्णय लेने के लिए नहीं है, मैंने सब लोगों की 1-to-1 तकलीफ जानने के लिए आपको बुलाया था। अब जो भी निर्णय होगा क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के अंदर होगा, मैं आपकी तरफ से आपका केस प्लीट करूंगा। हालांकि प्रशासन ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि जिस व्यापारी की दुकान किराए से है उसे किराए से रियायत दी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबाण न्यूज, इंदौर।